बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जन्म तिथि नहीं है, ग्रहों को शांत करना है और ग्रहों को शांत करने के लिए क्या उपाय करें जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो बुध की है, चाहे वो राहु की है या फिर वो मंगल की है, सभी के सभी पापी ग्रहों की संज्ञा में आने वाले ग्रह जो है वो हो जाएंगे शांत मात्र एक ऐसे उपाय से। तो दोस्तों, एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। मेरी गुजारिश आपसे यही है कि चैनल पे आ चुके हैं तो सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लें। वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी, आपको वीडियो जो है वो देखने में आसानी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करूंगा चांदी के चौरस या फिर चकोर टुकड़े के बारे में। मात्र एक छोटा सा उपाय आपको लग रहा है, लेकिन आपके जीवन में ये काफी परिवर्तन जो है वो लेके आ सकता है। कैसे? दोस्तों, जब कुंडली में कोई भी ग्रह खराब फल देता है, चाहे वो सूर्य है, मंगल है, बुध है, शनि है, राहु है, केतु है, जब बृहस्पति या कोई भी ऐसा ग्रह जो है आपको बुरे फल दे रहा है, तो कुंडली में 12 ग्रहों में सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है जहां पे सभी पापी ग्रह जो है वो शांत हो जाते हैं। खंड नंबर चार जो होता है, ये चंद्रमा का भाव है। इसमें शनि, राहु, केतु के फल भी जो है वो भी माता की गोद में आके शांत हो जाते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा जो है वो हर ग्रह के साथ अपनी अपनी कंपैटिबिलिटी जो है वो रखता है। किसी भी ग्रह को अगर हमें शांत करना होता है तो हम चंद्रमा का सहारा ही लेते हैं, चाहे वो पानी में हमें जौन जल प्रवाह करने हो, कच्चा कोयला जल प्रवाह करना हो, या फिर कोई भी ऐसे उपाय जो पानी में जल प्रवाह करने वाले हों, वो खाना नंबर चार चंद्रमा की मदद से ही होंगे। तो इसी टॉपिक को अगर मैं ये ले लूं कि चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा जो आपने रखना है अपने पास, वो आपने किस कंडीशन में रखना है और कुंडली में आपके ग्रहों की चाल क्या है। लगन में राहु देव आपके बैठे हैं, तो इस कंडीशन में चांदी की चैन के साथ चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा जो है वो अपने गले में धारण करें। टुकड़े के ऊपर थोड़ा सा कुंडा लगवा लें और कुंडे में से चैन जो है वो निकाल के अपने गले में धारण कर लें। इससे भी राहु देव शांत हो जाते हैं, क्योंकि राहु को शांत करने के लिए मात्र चंद्रमा की मदद ही ली जाती है। तो इसीलिए राहु की प्रॉब्लम्स अगर आपके ऊपर चल रही हैं, राहु की प्रॉब्लम्स क्या होंगी? मानसिक प्रताड़ना होगी, डर होगा, मन में घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, बेतुके से विचार चलेंगे, हर जगह आपको तकलीफ महसूस होगी, मन पूरी तरह से बुझ चुका होगा आपका, खर्चे बढ़ चुके होंगे, इनकम कम हो चुकी होगी, डिप्रेशन के हालात बन रहे होंगे। कारण क्या है? कुंडली का 12वां भाव जो है ये राहु का भाव है, और 12वां भाव क्या है? रात की नींद भी है और सोने का हमारा स्थान भी होता है। तो राहु को शांत करने के लिए चांदी का सहारा लिया जाता है। चांदी का चौरस टुकड़ा जो है वो मंगल नेक है। मंगल की इन्वॉल्वमेंट जब आती है चंद्रमा के साथ तो वो शुक्र के फल भी देता है, मां लक्ष्मी योग बनता है। दूसरी कंडीशन में जब मंगल को चंद्रमा की मदद मिली तो राहु अपने आप कंट्रोल हो गया, क्योंकि यहां पे मंगल भी प्रभावी है और चंद्रमा भी प्रभावी है। कहने का मतलब यह है कि राहु की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसे हम चंद्र और मंगल की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस उपाय को आप अपने कुंडली में या वर्षफल में जब ग्रह आपके खराब आ रहे हो तो आप झूठ करें। दूसरी कंडीशन में खाना नंबर चार में जब मंगल देव बैठते हैं तो ये जली हुई आग है, मन की आग है, मन की दुविधा है, मन का द्वेष है। खाना नंबर चार जो है वहां पे मंगल नीच के होते हैं, ये भाव किसका है? चंद्रमा का है। तो मंगल को हम शांत भी तो चंद्रमा से करेंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे आप चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी जेब में रखें, इस पॉकेट में रखें, छाती के पास रखें, 4 ग्राम का ले लें, इससे आपको 6 फल मिलेंगे। लगन में चंद्रमा बैठे हैं आपके, तो आप एक लाल कपड़े में चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा जो है
वो भी अपने पास रख सकते हैं। चंद्र मंगल की मदद से माँ लक्ष्मी योग बनेगा, धन की बरकत होगी, पैसे और लिक्विडिटी की समस्याएं जो है वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कुंडली के खाना नंबर 12 में राहु देव बैठे हैं, नीच के हैं, नींद नहीं आ रही, हेल्पलेस हो चुके हैं, टेंशन बनी हुई है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? डॉक्टर्स की मेडिसिन खा रहे हैं, डिप्रेशन जा नहीं रहा, तो उस कंडीशन में अगर आप अपने पिल्लों के नीचे या पिल्लों के अंदर चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा जो है वो पीस जो है वो रखते हैं, फिर उसके ऊपर सोते हैं, तो इससे भी आपकी नेगेटिविटी काफी हद तक दूर हो जाएगी। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। अष्टम का शनि बैठा हुआ है, अष्टम का शनि कहीं ना कहीं वर्ष फल में भी आ जाए, या फिर आपकी जन्म कुंडली में आ जाए, या फिर आपको गोचर में शनि अष्टम से निकल रहे हो, डैया का प्रभाव चल रहा हो, तो नीलम पहनने की जरूरत नहीं है। चांदी का एक चकोर टुकड़ा जो है वो भी अपने आप पास रख लेंगे, पॉकेट में रख लेंगे, इससे भी शनि नेक जो है वो आपको फल देना शुरू कर देगा। जितने भी शनि की बुराइयां होंगी वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी और आपकी बॉडी का ओरा जो है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो आप चांदी का प्रयोग जो है चकोर टुकड़े की जगह आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर कुंडली में ग्रहों की सिचुएशन इस तरह बनी हुई है। दोस्तों मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव ये होता है कि हमें मंगल नेक करना है। मंगल नेक होगा, मंगल अच्छा होगा तो राहु की शरारतें बंद होंगी। जीवन में उथल पुथल जो होती है, जितना भी ये मन मुटाव होता है, डिप्रेशन के हालात होते हैं, ये सब चीजें जब बुध खराब होगा तो राहु खराब होगा, तो बुध और राहु के समावेश से ही चलती हैं। तो इस प्रयोग करने के बाद आपके जीवन में चांदी का मदद मंगल नेक के कारण आपको अच्छे फल दे सकती है, और इस योग से आपके मन को शांति मिलेगी, पैसे के आने के रास्ते बनेंगे, और आप कोई भी मन में डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं उसमें भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, अच्छे फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब कुंडली में मंगल खराब है, चंद्रमा खराब है, राहु की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन आ जाता है। तो इसीलिए मंगल नेक करिएगा, चांदी का प्रयोग करिएगा, इससे आपकी काफी समस्याओं का हल जो है वो हो जाएगा। और आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स कंटेंट जो है वो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।